नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। मुस्लिम समुदाय पर भाजपा नेता ने ढाया कहर, बंधक बनाकर की पिटाई। उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत मजदूर के द्वारा मजदूरी मांगने पर भाजपा नेता ने अपने साथियों के साथ मजदूर को बंधक बनाकर बुरी तरह रबड़ के पाइप से पीटा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मजदूर को भाजपा नेता के चंबू से छुड़वा कर आरोपी भाजपा नेता समेत दो लोगों को हिरासत में लिया है। इटावा से राहुल तिवारी की एक खास रिपोर्ट। बात करने के बाद सरपंच जी कहने लगे कि तीन चक्कर थे, दो चक्कर में तो वो बहुत अच्छे तरह में बात करी, तीसरे चक्कर में मुझे कहने लगे कि पैसे तुम्हारे कितने हुए, तो हमने कहा 460 रुपये। तो मुझे कहने लगे अंदर आओ ले जाओ। तो फिर मुझे कहने लगे कि अंदर आओ ले जाओ। फिर हम अंदर गए तो मुझे कहने लगे कि नाम क्या है तुम्हारा, हमने कही कि दानिश। तो फिर उसके बाद में फिर जी कहने लगे कि मुसलमान, हमने जी कही मुसलमान है हम। तो वो जी कहने लगे मुसलमान हो। तो फिर उसके बाद में फिर वो मेन गेट पर उन्होंने ताला डाल दिया, फिर उन्होंने हमें बांध गए और पैर से और उससे सरिया से मार लगाई। दो जने थे, एक महाराज जी थे। महाराज जी ने मारा था? महाराज जी मना कर रहे थे, कह रहे थे रुक जा आ जान दो और लौंडों का आ जान दो। तो वो कहते नाखून कह रहे थे पुछा लेंगे और पेचकस से कटर रटा तो उंगली काटने ही कह रहे थे। वो कह रहे शाम को शमशान घाट में जलाएंगे। थाना कोतवाली के चौकी टीटी के अंतर्गत एक युवक के पैर बांधकर और उसे मारपीट किए जाने की घटना जो पुलिस के संज्ञान में आई है, इस सूचना के प्राप्त होते ही तत्काल इसमें अभियोग जो है पंजीकृत किया गया है और युवक के साथ मारपीट करने वाले लोगों को हिरासत में लेकर उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की।